आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस टीम ने शनिवार को बिहार के एक सरकारी इंजीनियर के घर पर छापा मारा। इंजीनियर के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि दो ठिकानों पर हुई छापेमारी में अब तक करीब 5 करोड़ रुपयों का कैश और आभूषण मिले हैं। नोटों की गिनती जारी है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक विजिलेंस टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक इंजीनियर संजय कुमार राय पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। शनिवार को विजिलेंस टीम ने संजय राय के किशनगंज और पटना स्थित ठिकानों पर छापा मारा। यहां पर टीम पहुंची तो सामने आया कि इंजीनियर सारा कैश अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के यहां रखता है। इसके बाद विजिलेंस टीम ने यहां छापा मारा और करीब 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। जानकारी के मुताबिक इंजीनियर संजय राय के आवास पर करीब 13 अधिकारी मौजूद हैं। डीएसपी सुजीत सागर के मुताबिक इंजीनियर के किशनगंज स्थित परिसर में छापेमारी की गई। यहां से कुछ दस्तावेज और जेवर बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि नोटों की गिनती मशीनों से की जा रही है। इससे आप भले भांति समझ सकते हैं कि कैश की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। बिहार में इन दिनों छापेमारी का दौर जारी है। इससे पहले बिहार में आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई ने छापा मारा था। सीबीआई ने आरजेडी कोषाध्यक्ष और एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व एमएलसी सुबोध राय, सांसद फैयाज अहमद और अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।